गांव से 3 किलोमीटर दूर सर्द रात में जंगल के सुनसान रास्ते पर महेश एक पेड़ के पीछे छिपा सड़क की तरफ देख रहा था। बस आज कोई बड़ा माल हाथ लग जाए जिससे अगले एक हफ्ते तक का काम बन जाए। कुछ देर बाद उसने देखा कि काले लबादे वाला एक आदमी वहां से गुजर रहा है और उसके कंधे पर एक बड़ा सा झोला लटका हुआ है। आ गया, ऐसा कहकर उसने चाकू निकाला और उस आदमी के सामने पहुंचा। वो आदमी उसे देखकर रुक गया और महेश को घूरने लगा। लगता है इस झोले में बहुत ही कीमती माल है, इसको यहाँ छोड़ और यहाँ से निकल जा वरना चाकू तेरे सीने के आर पार कर दूंगा। उसके इतना कहने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया और महेश को गुस्सा आ गया। उसने झोला उसके कंधे से उतारा और चाकू से उसके हाथ पर हमला किया। वो आदमी बिना आवाज किए अचानक से बेहोश हो गया। जरूर इसमें कीमती चीजें होंगी, तभी साला इतनी हिफाजत से लेकर जा रहा था। ऐसा कहकर उसने झोले का मुंह खोला और बहुत ही बुरी बदबू उसके नाक में पहुंची। अरे क्या है इसके अंदर यार? उसने झोला उल्टा कर जमीन पर पलट दिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस झोले के अंदर से 3 औरतों के कटे हुए सिर निकले। तभी उसको पीछे से किसी के तेज तेज सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने डरते डरते पीछे पलट कर देखा तो वो आदमी अब होशो हवास में उसके पीछे खड़ा हुआ था। कौन है तू? उसने एक झटके से अपना लबादा खोल दिया। वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक दानव था। अगली सुबह गांव के सरपंच ठाकुर वीर प्रताप की हवेली में कुछ गांव वाले जमा थे। महेश की लाश चिरी फटी हालत में पड़ी थी और उसके पास ही उसकी बीवी बैठी रो रही थी। ठाकुर साहब देखिए, ससुर जी की मौत को अभी 10 दिन भी नहीं गुजरे थे कि आज मैंने अपना पति भी खो दिया। इतने दिनों से गांव के लोग मारे जा रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? हाँ ठाकुर साहब, आखिर कब तक हमारे गांव के लोग इसी तरह शिकार होते रहेंगे? अब इस गुत्थे को हम खुद सुलझाएंगे। आज रात हम खुद उस जंगली रास्ते पर जाकर देखेंगे कि लोगों की जान लेने वाला कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। रात को ठाकुर साहब ने सफेद कुर्ता पजामा पहना, अपने ऊपर कुछ कीमती गहने डाले जिससे वो ये कंफर्म करना चाहते थे कि कहीं ये हत्याएं लूट मार के इरादे से तो नहीं की जा रही हैं। वो अब उसी रास्ते से गुजर रहे थे, उनको एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। इतनी रात में कोई औरत? अब उनके कदम तेजी से उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। एक लड़की सड़क के किनारे बैठी अपने चेहरे को घुटनों के बीच दबाए रो रही थी। उसके पास ही एक आदमी बेहोश जमीन पर पड़ा था। हे छोरी, कौन है तू? ये सुनकर भी वो रोती रही तो ठाकुर साहब ने गरज कर फिर से पूछा, कौन है तू? ये सुनकर उसने अपना चेहरा उठाकर उनकी तरफ देखा। मैं चंदा हूँ, पास ही के माधवपुर गांव से हूँ। तो तू यहाँ इस वक्त क्या कर रही है और ये आदमी कौन है? ये मेरे पति राजेश हैं, काफी दिनों से बीमार हैं। गांव के सरपंच से जब मैंने मदद लेनी चाही तो उसने मुझसे कहा कि मैं कुछ रातों के लिए उसकी हो जाऊं, फिर वो मेरे पति का अच्छे से इलाज करवा देगा। और जैसे ही मैंने मना किया तो उसने मुझे गाँव से निकलवा दिया। अब मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। ठाकुर साहब को उस पर रहम आ गया और फिर उसे और उसके पति को हवेली लेकर आ गए। एक बड़े से कमरे में उसके रहने का इंतजाम करवा दिया। जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तुम यहीं रहोगी और इसका इलाज हम करवाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर ठाकुर साहब कमरे के बाहर चले गए। चंदा अपने बेहोश पति को देख कर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगी। रात को ठीक 12 बजे हवेली का नौकर रामू काका किचन की सफाई में लगा हुआ था। चलो सफाई तो हो गई, बस अब पिंकी को दूध दे दूं।
उसके बाद सोने चला जाऊंगा। ये कहकर उन्होंने पिंकी को आवाज लगाई जो कि एक बिल्ली थी। अजीब बात है, पिंकी तो इस वक्त अपने आप दूध को सूंघती हुई आ जाती है, आज आवाज लगाने पर भी नहीं आ रही। तभी उनको पिंकी के बहुत तेज म्याऊ करने की आवाज आई। और रामू काका डर गए। वो भागकर बाहर गए तो उन्होंने देखा कि बड़े कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। कौन है अंदर? कौन है? वो धीरे से कमरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि चंदा दीवार की तरफ मुंह किए जमीन पर बैठी है और कमरे में चबड़ चबड़ की आवाज गूंज रही है। चंदा बिटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी बात सुनकर चंदा ने एक झटके से पलट कर देखा। उसकी आंखें नीली थी और चेहरे पर खून लगा हुआ था। पिंकी का मांस उसके मुंह के अंदर था जिसे वो चबा रही थी। रामू काका डर से चिल्ला उठे। वो तेजी से उठी और रामू काका के सीने पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगी। तभी रामू काका की आवाज बंद हो गई। उनके हाथ और पैरों ने काम करना बंद कर दिया। सुबह रामू काका की हालत बहुत गंभीर हो गई। वो जमीन पर पड़े थे, सिवाय अपनी आंखों से दूसरों को देखने के वो कुछ भी करने के लायक नहीं थे। अब उनको भी एक अलग कमरा दे दिया गया। रामू काका की तबीयत जब तक ठीक नहीं हो जाती इनका भी खास ख्याल रखा जाए। समझ नहीं आ रहा कि ये अजीब चीजें क्यों हो रही है। अब चंदा को वहाँ रहते कई दिन गुजर गए। ना रामू काका ने कुछ बोला और ना ही राजेश को होश आया। 3 दिन से इनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। ठाकुर साहब, मैं तो कहता हूँ आप इनको मेरे आश्रम भेज दीजिए, वहाँ इनको जल्दी आराम हो जाएगा। ठीक है, हम अभी अपने आदमियों से कहकर इन्हें वहाँ भेजने का प्रबंध करते हैं। सिर्फ इनको ही नहीं, चंदा को भी भेज दीजिएगा। लेकिन चंदा क्यों? दवाओं का तो मैं देख लूंगा, लेकिन फिर भी इनकी देखभाल के लिए चंदा का वहाँ होना जरूरी है। ठाकुर साहब ने चंदा और राजेश को आश्रम भिजवा दिया। रात को तकरीबन 11 बजे दरवाजा खुला। अरे वैजी, आप इस वक्त? मैं राजेश बाबू के लिए ये लेप बनाकर लाया था, इसको इसके माथे पर मलना शुरू करो, उसके बाद पूरे शरीर पर मालिश कर देना। चंदा ने कटोरे से लेप निकाला और राजेश के माथे पर लगाने लगी। वैद्य चंदा के शरीर को इस वक्त ललचाई नजरों से देख रहे थे। तुम ठीक से नहीं कर रही हो, लाओ मैं बताता हूँ कैसे लगाना है। ऐसा कहकर वैद्य जी ने चंदा का हाथ पकड़ा और फिर राजेश के माथे पर मलने लगे। वैद्य जी चंदा का हाथ छोड़ ही नहीं रहे थे। चंदा इस बात को नोटिस कर रही थी। अचानक से चंदा ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। ये मंत्र सुनते ही राजेश की सांसें तेज तेज चलने लगी। अचानक से उसकी आंख खुल गई। वैद्य जी ने जैसे ही राजेश को देखा उनका दिल दहल उठा। राजेश उनकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। वो अपने बेड से उठ खड़ा हुआ। उसने वैद्य जी की गर्दन पकड़कर इतनी जोर से गला दबाया कि वैद्य जी की आंखों से खून की धारें निकल पड़ी। वो भयंकर आवाज करते हुए असुर वाले रूप में आ गया। उसके सर पर सिंह आ गए और वो बहुत ही भयानक दिखने लगा। उसने वैद्य जी के सीने को चीर डाला और उनका मांस चबाने लगा। चंदा पास खड़ी रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। ठाकुर साहब जब आश्रम पहुंचे और चंदा के कमरे में गए, उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ठाकुर साहब ने वहां ऐसा क्या देखा? चंदा और राजेश की सच्चाई क्या है? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस कहानी के दूसरे और आखिरी पार्ट में। नेहा और आयुष अपने नए घर में बहुत खुश थे। 3 दिन पहले ही उन्होंने अपने नए घर में शिफ्ट किया था। चलो दीदी, छुपन छुपाई खेलते हैं। इस नए घर में छिपने की बहुत सारी नई नई जगह हैं। ठीक है, मैं 10 तक गिनती हूँ, तुम जाकर छुप जाओ। 1, 2, 3, 4। आयुष अपने घर की छत पर पहुँच गया। कहाँ छिपू, कहाँ छिपू? हाँ, बराबर वाली छत की सीढ़ियों में छिप जाता हूँ। नेहा की छत के बगल में खाली मकान था जिसकी छत पर सीढ़ियों का दरवाजा नीचे था जहाँ सीढ़ियाँ खत्म होती थी। आयुष बगल की छत पर गया
और सीढ़ियों से नीचे जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मैं आ रही हूँ, मुझे पता है तुम कहाँ छुपे हो। बाल्टी के नीचे। बाल्टी के नीचे नहीं, अच्छा मैं समझ गई कि ये कहाँ छिपा होगा। नेहा ने अलमारी को खोलकर देखा, आयुष वहाँ नहीं था। छत पर गया होगा। दीदी मुझे यहाँ कभी नहीं ढूंढ पाएंगी। ये छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आयुष दरवाजे पर पीठ लगाकर खड़ा था। अचानक उस दरवाजे के नीचे से किसी की उंगलियां निकली। आयुष चीखता हुआ सीढ़ियों के ऊपर भागा। भूत, भूत, दीदी, दीदी, भूत, भूत। आयुष मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अगर मैं सीढ़ियों से ऊपर नहीं आता तो तुम मुझे ढूंढ नहीं पाती। सीढ़ियों के नीचे दरवाजा है, मैंने उससे एक हाथ निकलते हुए देखा, शायद उस खाली घर में भूत रहता है। पागल, ये भूत वगैरह असलियत में नहीं होते, जरूर उस घर में कोई रहता होगा। चलो मैं चलकर देखती हूँ। नेहा आयुष के साथ नीचे जाने ही वाली थी लेकिन तभी उनकी मम्मी शालिनी वहाँ आ गई। आयुष, नेहा चलो नीचे चलो, तुम्हारा स्नैक्स तैयार है। अगले दिन रात को आयुष और नेहा के घर की लाइट चली गई। गर्मी में नींद नहीं आ रही, मम्मी लाइट कब आएगी। आ जाएगी बेटा, बस कुछ दिनों की बात है। जब पापा घर आएंगे तो इन्वर्टर लगवा लेंगे। अभी जब तक लाइट नहीं आती तब तक तुम दोनों जाकर खेल सकते हो। आयुष और नेहा रात में ही छुपन छुपाई खेलने लगे। पिछली बार मैं डैन बनी थी, इस बार तुम बनो। ठीक है, मैं 10 तक गिनता हूँ। 1, 2, 3, 4। नेहा छत पर पहुँची। बगल वाली छत की सीढ़ियों में जाकर छिप जाती हूँ। आयुष वहाँ मुझे नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ कोई भूत रहता है। नेहा बगल वाली छत की सीढ़ियों से नीचे उतरकर दरवाजे के सहारे खड़ी हो गई। मैं आ रहा हूँ। हाँ जाओ। अचानक दरवाजा खुल गया। अरे क्या ये दरवाजा बंद नहीं था। नेहा अंधेरे में उस घर में घुस गई। घर के अंदर अंधेरे कमरे में नेहा को किसी की आवाज सुनाई दी। डार्क रूम में किसी औरत की भयानक आवाज। इधर आओ बबली, मेरे पास आओ, क्या तुम मेरे साथ छुपन छुपाई खेलोगी। बबली, मेरा नाम बबली नहीं, नेहा है। कौन है वहाँ पर। यहाँ आओ, कमरे की तरफ। नेहा डरते डरते अंधेरे कमरे में चली गई। कमरे में एक भूतनी खड़ी थी जिसके सिर में दर्जनों चाकू घुसे हुए थे। नेहा बुरी तरह चीखते हुए सीढ़ियों की तरफ भागी। जल्दबाजी में सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका पैर फिसल गया। भूतनी ने पीछे से नेहा का पैर पकड़ लिया। डरो मत, मेरे साथ छुपन छुपाई खेलो। भूतनी नेहा को पकड़कर मकान के अंदर खींचने लगी लेकिन तभी आयुष वहां आ गया और नेहा का हाथ पकड़कर तेजी से चिल्लाने लगा। मम्मी, भूत, मम्मी बचाओ, मम्मी जल्दी यहाँ आओ। हाँ, ये तो आयुष और नेहा की आवाज लगती है। शालिनी तुरंत दौड़ती हुई छत पर पहुंची। उसने देखा पड़ोस वाली छत पर आयुष नेहा को सीढ़ियों के ऊपर खींच रहा है और नेहा के माथे पर खून बह रहा है। मेरी बच्ची। शालिनी तुरंत नेहा को लेकर हॉस्पिटल पहुंची और नेहा के माथे पर पट्टी बंधा कर लाई। जब शालिनी घर लौट रही थी तो शालिनी के घर के सामने रहने वाली कमला आंटी ने उससे पूछा, शालिनी क्या हो गया नेहा को, ये सिर पर पट्टी कैसे बंधी है। ये दोनों हमारे मकान के बगल वाली छत पर छुपन छुपाई खेलते हुए सीढ़ियों के नीचे चले गए थे। ये कह रहे हैं कि इन्होंने वहाँ किसी भूतनी को देखा। घबराहट में नेहा भागी और गिर पड़ी। तुम्हारे घर के बराबर में जो मकान है वो पिछले 12 साल से खाली पड़ा है, वहाँ अपने बच्चों को कभी मत जाने देना। उस घर में एक माँ और एक बेटी का साया भटकता है। माँ और बेटी का साया। हाँ, इस मकान में 12 साल पहले मोनिका नाम की लड़की रहती थी। वो शादीशुदा थी और उसकी एक बेटी भी थी, बबली। रात में मोनिका का हस्बैंड पीयूष जब भी घर आता तो मोनिका को किसी के साथ बातें करते हुए पाता। उसे शक हो गया कि मोनिका का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मोनिका और पीयूष में अक्सर लड़ाई होती थी। एक दिन पीयूष बहुत खराब मूड में ऑफिस से घर लौटा। जब उसने मोनिका को फोन पर बातें करते देखा तो उसका खून खौल गया और उसने चाकू से मोनिका और अपनी बेटी बबली की हत्या कर दी। पीयूष इस समय उम्र कैद काट रहा है। मोनिका और बबली की आत्मा इस घर में भटकती है। शालिनी ने छत पर एक ऊंची दीवार खिंचवा दी ताकि नेहा और आयुष बगल की छत पर कभी न जाए।
कार को भी आज ही खराब होना था। एक तो ड्राइवर नहीं लाई मैं और ऊपर से फोन भी डेड है। मेघा गाड़ी के अंदर से कुछ ढूंढ रही होती है, तभी उसके पीछे एक डबल डेकर बस आके रुक जाती है। वो पीछे मुड़ती है। ये बस कहां से आ गई? मैंने तो रोका भी नहीं। मेघा बस में चढ़ जाती है। बस के अंदर कुछ लोग बैठे हैं, टूरिस्ट जैसे कपड़े पहने हैं, जैसे किसी साइट सीन पे आए हों। बस के अंदर म्यूजिक बज रहा है। भैया मुझे अटावा शहर में उतार देना। टिकट? कंडक्टर ना तो जवाब देता है ना ही टिकट। वो चुपचाप बस सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। अजीब इंसान है, टिकट भी नहीं दिया। कुछ ही समय बाद मेघा की आंखें बंद होने लगी। वो सोने ही वाली थी कि उसे कहीं से लाउड म्यूजिक सुनाई दिया। उसने आंखें खोल कर देखा पर उसे ड्राइवर सीट खाली लगी। उसने फिर से अच्छे से देखा तो ड्राइवर अपनी सीट पे ही बैठा हुआ था। मेघा को बस में बैठे बहुत अजीब लग रहा था। ये म्यूजिक तो बंद ही नहीं हो रहा, किसी और को तकलीफ नहीं हो रही है क्या इससे? वो कंडक्टर को हाथ दिखाकर बुलाती है और उससे पूछती है, भैया ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? कंडक्टर कुछ जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। मेघा अपने पीछे बैठे इंसान को देखती है। वो आंखें फाड़ के बिना पलक झपकाए मेघा की तरफ देख रहा है। मेघा थोड़ा डरे हुए उससे पूछती है, ये इतना लाउड म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? ऊपर पार्टी हो रही है। रात के 12 बजे, वो भी एक चलती हुई बस में। कैसी पार्टी है ये? तुम्हारी मौत की। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कह रहे हैं? इतना कह के वो इंसान उठकर ऊपर चढ़ने लग जाता है। धीरे धीरे हर पैसेंजर ऊपर चला गया। अब बस ड्राइवर और मेघा बच गए थे। मेघा को बस में बैठे हुए काफी टाइम हो चुका था और अभी तक वो शहर नहीं पहुंची। उसने बस ड्राइवर से पूछने का सोचा। ड्राइवर, ओ ड्राइवर भाई साहब, हम कहाँ पहुँचे हैं? ड्राइवर सीट पर बैठे हुए अपना पूरा सिर घुमाकर मेघा को देखकर भयानक तरीके से हंसता है। कौन हो तुम? हे भगवान, मैंने ये क्या देख लिया? मेघा की ऊपर पहुँच के आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने देखा कि वहाँ पार्टी चल रही थी, पर कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं बल्कि भूतों की पार्टी। किसी भूत का सिर कटा हुआ था तो किसी भूत के हाथ, कोई भूत आग में जला हुआ था तो किसी भूत का चेहरा छिला हुआ। ये क्या हो रहा है? मेघा जब ये बोल रही होती है तभी वो कंडक्टर अपने नुकीले नाखून वाले हाथ से मेघा को आगे लेके आता है। कंडक्टर की आंखें पूरी सफेद हैं। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। सारे भूत मेघा को चारों ओर से घेर के नाचने लग जाते हैं। मेघा जोर जोर से चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर भूतों की पार्टी के शोर की वजह से उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाया। मेघा किसी तरह भूतों के चंगुल से निकलकर नीचे भागती है। मेघा नीचे पहुंचती है और बस का ड्राइवर अपना सिर उल्टा करके बस चला रहा है। नहीं, मैं ऐसे नहीं मरने वाली, नहीं। कहाँ जाना है? ऐसा कहते हुए ड्राइवर अपनी जगह से उठ जाता है और दोनों हाथ आगे करके मेघा की तरफ चलने लग जाता है। ऊपर से एक एक करके सारे भूत नीचे आ जाते हैं और सब मेघा की तरफ भागने लग जाते हैं। मेघा देखती है कि बस सीधे एक खाई की तरफ जा रही है। मेघा चलती हुई बस से कूद जाती है। मेघा बस से कूद के जख्मी हो गई और वो उस सुनसान रास्ते में हैरानी से उस भूत या पार्टी बस को आगे जाते हुए देख रही थी। वो बस रुकी और यू टर्न लेने लगी। मेघा अपनी सारी ताकत जुटा के भागने लगी। मेघा बिना रुके बिना पीछे मुड़े भागती गई और वो तब तक भागती रही जब तक वो बस उसे दिखना बंद नहीं हो गई और उसका म्यूजिक सुनना बंद नहीं हो गया हो, और तब जाके मेघा ने चैन की सांस ली। एक घर में एक औरत एक चारपाई पर और उसका बेटा दूसरी चारपाई पर लेटे हुए थे। लखन, तेरे पिताजी कहाँ हैं? माँ,
पिताजी तो खेत पर सोने गए हैं। औरत ये सुनते ही चारपाई से उठ पड़ती है। अरे आज अमावस्या की रात है, तेरे पिताजी भूल गए क्या? जल्दी जा अपने पिताजी को बुला कर ला, कहीं उल्टी चलने वाली भूतनी की नजर उन पर ना पड़ जाए। हे भगवान उनकी रक्षा करना। उधर लखन के पिताजी खेत में सो रहे थे, तभी उल्टी चलने वाली चुड़ैल हाथों के बल चलते हुए पिताजी की चारपाई के पास आती है। लखन दौड़ता हुआ खेत में पहुंचता है तो देखता है खटिया पर पिताजी के बाल पड़े हुए हैं। कौन थी वो चुड़ैल? गांव के लोगों ने उससे अपना पीछा कैसे छुड़ाया? आइए सुनते हैं उल्टी चलने वाली भूतनी की कहानी। मोहिनीपुर गांव के पड़ोस में नवाबगंज नाम का शहर था, जहां शैलजा अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। माँ आज मैं कॉलेज के बाद दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पड़ोस वाले मोहिनीपुर गांव जा रही हूँ। बेटा सूरज डूबने से पहले ही लौट आना। माँ अब मैं बड़ी हो गई हूँ, घर लौटते हुए थोड़ी बहुत देर हो जाया करे, तो चिंता मत किया करो, और मैं पपी को भी अपने साथ ले जा रही हूँ। शैलजा अपने पपी और अपने दोस्तों राहुल और पूजा के साथ पिकनिक मनाने गांव पहुँचती है। वो लोग अपना तंबू लगा लेते हैं और वहाँ खूब मौज मस्ती करते हैं। चलो दोस्तों गांव के खेतों में घूम कर आते हैं। रात होने लगी है, अब हमें घर चलना चाहिए। तू बहुत डरपोक है, चल फटाफट। उधर शैलजा की माँ शैलजा का इंतजार कर रही थी। 9 बज गए हैं, ये लड़की कहाँ रह गई? शैलजा की माँ शैलजा को फोन करती है, लेकिन शैलजा का फोन स्विच ऑफ जाता है। रात के 11 बज जाते हैं, लेकिन शैलजा घर नहीं लौटती। उधर शैलजा और उसके दोस्त रास्ता भटक जाते हैं। समझ नहीं आ रहा हमारा कैंप किस तरफ है। तभी हाथों के बल चलते हुए चुड़ैल वहाँ आ जाती है। शैलजा के पपी को खींचकर जंगल में ले जाती है। कोई मेरे पपी को बचाओ। शैलजा अपनी माँ को फोन करना चाहती है, लेकिन फोन की बैटरी डाउन हो चुकी थी। तभी चुड़ैल फिर से आती है। और शैलजा की टांग पकड़कर उसे खचेड़ते हुए जंगल में ले जाती है। राहुल और पूजा डरकर भागते हैं। तभी लखन उन्हें मिलता है। सुनो वो चुड़ैल हमारी फ्रेंड को ले गई। आज अमावस्या की रात है, पिछली अमावस्या पर वो चुड़ैल मेरे पिताजी को भी ले गई थी। तुम लोग गांव के तो नहीं लगते? हाँ हम शहर से यहाँ पिकनिक मनाने आए थे। अगले दिन सुबह शैलजा की माँ गांव पहुँचती है। पूजा और राहुल उन्हें सारी बातें बताते हैं। हे भगवान पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। बच्चों तुम लोग घर जाओ। शैलजा की माँ और लखन मशाल लेकर जंगल के अंदर चुड़ैल को ढूंढने जाते हैं। दोनों देखते हैं कि एक गुफा में एक औरत चुड़ैल का मुकुट उतार रही है। वो दोनों उस औरत को पकड़ लेते हैं। बता मेरी बेटी कहाँ है, और तू भूतनी बनकर लोगों को क्यों डराती है? वरना अभी तुझे मशाल से जलाकर राख कर दूंगी। नहीं नहीं मुझे मत जलाना, मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग करती हूँ। शैलजा की माँ और लखन औरत को रस्सी से बांध देते हैं और अंदर गुफा में जाते हैं। शैलजा अपनी माँ को देखते ही चिल्ला पड़ती है, माँ! लखन भी अपने पिताजी से मिलकर बहुत खुश होता है। गुफा में गांव के और भी लोग मिलते हैं, जिन्हें भूतनी उठाकर ले गई थी। लखन उन लोगों और औरत को लेकर गांव वालों के पास जाता है। गांव वालों अब किसी उल्टी चलने वाली भूतनी से डरने की जरूरत नहीं है,
ये औरत ही भूतनी का रूप धारण करके हाथों के बल चलकर लोगों को डराती थी, पकड़ कर ले जाती और बेच देती। गांव वाले औरत को पुलिस के हवाले कर देते हैं। दिमापुर जाने वाली रोड पर एक पुरानी एसिड फैक्ट्री पड़ा करती थी। मिस्टर संजय आज उस फैक्ट्री को खरीदने जा रहे थे। मिस्टर संजय कार में पीछे बैठे होते हैं और उनका ड्राइवर कार चला रहा था। सर, मेरी मानिए तो इस फैक्ट्री को आप ना खरीदिए तो बेहतर होगा। मैंने उस फैक्ट्री के बारे में बहुत अफवाहें सुनी हैं। कैसी अफवाहें? लोग कहते हैं उस एसिड फैक्ट्री में किसी लड़की की आत्मा का वास है। और भी लोगों ने इस फैक्ट्री को खरीदने की कोशिश की लेकिन मारे गए। मैं इन भूत प्रेत वाली कहानियों में यकीन नहीं करता। मैं उसे खरीद कर ही रहूंगा। मिस्टर संजय बहुत सस्ते में फैक्ट्री के मालिक से एसिड फैक्ट्री खरीद लेते हैं और फिर फैक्ट्री के अंदर घूमने जाते हैं। तुम मेरे साथ अंदर नहीं चलोगे? नहीं सर, वो मुझे वॉशरूम जाना है। आप फैक्ट्री में घूम के आइए, तब तक मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। मिस्टर संजय फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और ड्राइवर बाहर ही खड़ा रहता है। एक घंटा बीत जाता है लेकिन मिस्टर संजय फैक्ट्री से बाहर नहीं आते। तभी ड्राइवर को फैक्ट्री के अंदर से भयानक आवाजें सुनाई पड़ती हैं। हे भगवान, अंदर क्या हो रहा है? 3 घंटे बीत जाने के बाद भी जब मिस्टर संजय बाहर नहीं निकलते तो ड्राइवर पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस फैक्ट्री के अंदर जाती है तो उसे मिस्टर संजय की लाश पड़ी हुई मिलती है। लगता है बड़ी बेरहमी से किसी ने इनका कत्ल किया है। संजय की डेड बॉडी उनके घर पहुंचती है। ये किसने कर दिया? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इतने अच्छे इंसान थे वो। अगले दिन मिस्टर संजय की पत्नी नीलिमा फैक्ट्री के पड़ोस वाले गांव में पहुंचती हैं। गांव में एसिड फैक्ट्री के बारे में कौन जानता है? बूढ़ी अम्मा, वो गांव की सबसे वृद्ध महिला है, वो आपको फैक्ट्री के बारे में बता सकती है। नीलिमा बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचती है। 40 साल पहले की बात है, वो एसिड फैक्ट्री तो नाम के लिए थी, उसमें अंदर सारे काले धंधे हुआ करते थे। शराब बनाई जाती थी, जुआ खेला जाता था, सट्टेबाज वहाँ इकट्ठा हुआ करते थे। एक दिन रूपवती नाम की एक नवविवाहिता वहाँ से गुजर रही थी। एक जुआरी की नजर रूपवती पर पड़ गई। जुआरी रूपवती के साथ छेड़खानी करने लगा और उसे खींचकर फैक्ट्री में ले गया। रूपवती ने अपने नाखूनों से उस जुआरी का मुंह नोच लिया। तभी सारे गुंडों ने मिलकर रूपवती की हत्या कर दी। जब रूपवती का पति पहुंचा तो फैक्ट्री के गुंडों ने उसके पति को भी मार दिया। तब से रूपवती की आत्मा उस फैक्ट्री में भटक रही है। रूपवती की आत्मा ने एक एक करके उन सभी गुंडों को मार दिया। अब जो भी आदमी फैक्ट्री के अंदर जाता है वो आत्मा उसे मार देती है। मैं तो आदमी नहीं हूँ, औरत हूँ। मैं फैक्ट्री के अंदर जाऊंगी और फैक्ट्री की शुद्धि करवाऊंगी। बेटी, अब तुम कल जाना, आज रात मेरे घर ही ठहर जाओ। नीलिमा रात में बूढ़ी अम्मा के घर सो जाती है। रात के 2 बजे अचानक नीलिमा की आंख खुलती है। बूढ़ी अम्मा नीलिमा का गला घोटने लगती है। फैक्ट्री की शुद्धि कराएगी, बचाओ, कोई बचाओ। तभी कुछ गांव वाले वहां आ जाते हैं। गांव वाले देखते हैं कि बूढ़ी अम्मा बेहोश पड़ी है। लगता है वो आत्मा बूढ़ी अम्मा में घुस गई थी। अगले दिन नीलिमा एक पंडित और कुछ पुलिस वालों के साथ फैक्ट्री के अंदर जाती है और हवन कराती है। तभी रूपवती की आत्मा वहाँ प्रकट होती है। उन्होंने मुझे और मेरे पति को मार दिया। मैं माँ बनने वाली थी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है हमें उसका बेहद अफसोस है।
लेकिन तुम निर्दोष लोगों को मारना बंद करो। आत्मा नीति वाले खुल जाती है और पंडित का गला घोटने लगती है। पुलिस वाले किसी तरह नीलिमा को पकड़ कर रखते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं और सभी मंत्रों को पढ़कर हवन पूरा कर देते हैं। तभी नीलिमा ठीक हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, अब ये फैक्ट्री शुद्ध हो चुकी है। नीलिमा पूरी फैक्ट्री को तोड़वा कर वहाँ पर मिस्टर संजय गुप्ता के नाम से लड़कियों के लिए एक स्कूल बनवाती है।